सालबिटोमोल सालबिटोमोल इज सेलेक्टिव बीटा टू एगेनिस्ट अब ये करता क्या है कि जो बीटा टू रिसेप्टर्स है उनको जाकर एक्टिवेट करता है अब जो ब्रोंक आए हैं उनके गिर जो मसल्स हैं उनके अंदर बीटा टू रिसेप्टर्स भी होते हैं और एम थ्री रिसेप्ट भी होते हैं अगर हम किसी तरह से बीटा टू रिसेप्टर्स को एक्टिवेट या एम थ्री रिसेप्ट को ब्लॉक कर दें तो ये जो मसल्स का है ये रिलीज हो जाएगा जिसकी वजह से एजमा जो है वो ट्रीट हो जाएगा सो सालबिटोमोल इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एजमा तो अगर जनरली आजमा के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ऐजमा में हमारे पास एक इमीजिएट रिएक्शन होता है और एक डिलेड रिएक्शन होगा जो इमीजिएट फेज़ होगा उसमें सिंपली हाइपर रिएक्टिविटी और एजमा होगा और जो डिलेड फेज़ होगा उसमें हाइपर रिएक्टिविटी स्पेल्स के साथ साथ इन्फ्लमेशन भी होगी अब अगर इमीजिएट की बात करें तो सबसे पहले कुछ ट्रिगर्स होंगे ट्रिगर्स में क्या आ सकते हैं पॉलन्स आ सकते हैं उसके अलावा एलर्जन एयर पोलूटेंट वायरल इन्फेक्शन वगैरह ये ट्रिगर्स क्या करेंगे ये मास्ट सेल्स को जाकर ट्रिगर करेंगे सो देयर इज़ रिलीज ऑफ मास्ट सेल्स

बीफोर आएगा और साइटोकाइंस आएंगे अब ये कीमोटैक्स क्या कराएंगे ये हमारे पास डिलेड रिएक्शन जो होगा उसको प्रोमोट करेंगे सो so, डिलेड रिएक्शन में क्या होगा देर इज़ इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लामेटोरी सेल्स सो जितने भी इन्फ्लामेटोरी सेल्स होंगे वो आएंगे फॉर एग्जाम्पल ईसिनोफिल्स मोनोसाइड मोनोसाइड्स टी सेल्स ये सारे आएंगे और इसकी वजह से क्या होगा साइटोकाइंस की रिलीज़ जो होगी वो इंक्रीज होगी ल्यूकोटाइन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होंगे और इसके साथ uh, साथ फाइनली ईसिनोफिल्स की जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो इंक्रीज होंगी जिसकी वजह से ब्रोंक स्पैन वीज कफ हाइपर एक्टिविटी वगैरह होगा जिसे हम एजमा कहेंगे अब हर स्टेप के ऊपर कोई ना कोई ड्रग जो है वो एक्ट कर सकती है फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉको स्पाज को किस तरह ट्रीट करेंगे जो प्रोंकाई होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं उसके ऊपर बीटा रिसेप्टर्स भी होते हैं मस्कोरेनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं तो अगर हम बीटा टू एगनिस दे दें फॉर एग्ज़ाम्पल साल ब्यूटोमोल साल मेट्रोल वगैरह ठीक है ये साबा भी हो सकते हैं और लाबा भी हो सकते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगनिस भी हो सकते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगनिस भी हो सकते हैं तो इसकी वजह से हम ऐजमा जो है वो रिवर्स कर सकते हैं उसके अलावा मस्कोरेनिक ब्लॉकर्स जिसे हम कहें एम थ्री ब्लॉकर्स

एल्टी वन को ब्लॉक करेंगे और अगर हम मोटील्यूकास नहीं देते सिंपली देते हैं तो वो क्या करेगा लेपोक्सीजन पाथवे को ब्लॉक करेगा इसके अलावा जो साइटोकाइंस की प्रोडक्शन है इसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ बैकलोमेथासोन और सम समीरोयड तो जो स्टीरॉयड हैं वो भी आजमा की ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं उसके अलावा ओमेलिजुमाप जो कि हमारे पास एंटीबॉडी है आई वो क्या करेगी इन ट्रिगर्स को मास सेल्स के साथ नहीं जुड़ने देगी सो वी कैन ऑल्सो यूज ओमेलिजुमाब एंड सच अदर एंटीबॉडीज और फाइनली फाइनली हमारे पास एक और ड्रग है दिस इज कॉल्ड क्रोमोग्लाइकेट या नीडोक्रोमे ये क्या करेगी ये इमिजिएट और डिलेड रिएक्शन दोनों के ऊपर एक्ट करेगी सो so जो क्रोमोग्लाइकेट है वो क्या करेगी जो मास सेल्स हैं ठीक है इनको जाकर छेड़ेगी क्या करेगी ब्लॉक करेगी सेल्स ब्लॉक करेगा उसके साथ साथ ब्लॉक करेगी रिस्पॉन्स ऑफ सी फाइबर्स सो so, अर्ली या फिर अर्ली फेज में मा सेल्स और जो सी फाइबर्स हैं उनको जाकर ब्लॉक करेगी दिस इज क्रोमोग्लाइकेट और डिलेड रिएक्शन में क्या करेगी ये ब्लॉक uh, ये ये डिलेड रिएक्शन को ब्लॉक करवाएगी किस तरह करेगी जो क्लोराइड चैनल्स हैं उनको ऑल्टर करेगी जिसकी वजह से क्या होगा ईओसिनोफेज की जो एक्टिवेशन है यानी जिसे हम कहें इंफ्लैमेटोरी सेल्स है उनकी एक्टिवेशन जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी जिसकी वजह से ये सारा पाथवे जो होगा ब्लॉक हो जाएगा और एजमा जो होगा टेम्परेली ट्रीट हो जाएगा तो अगर सेलेक्टिवली सालब्यूटामोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करेगा बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा उसका एगेनिस्ट है जिसकी वजह से साइक्लिक के की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेगी जब इसके लेवल्स इंक्रीज करेंगे तो पी प्रोटीन काइनेज ए जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी प्रोटीन काइनेज ए क्या कराएगी मायोसिन लाइट चेन काइनेज को इनहिबिट कराएगी

एक्यूट एज्मेटिक अटैक में देंगे एंड इट इज यूज एज नीडेड उसके अलावा एक्सरसाइज इंड्यूज एजमा की ट्रीटमेंट के लिए भी हम सालब्यूटोमोल यूज कर सकते हैं सीओपीडी जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पलमोन डिजीज है उसमें भी हम दे सकते हैं साइड इफेक्ट्स या टॉक्सिसिटी बड़ी सिंपल सी है जहाँ भी बीटा 2 टू रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे वही इसकी साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिसिटी है फॉर एग्जाम्पल ट्रामर्स हो सकते हैं मसल्स के अंदर हार्ट के अंदर टेकी कार्डिया एयर हो सकते हैं नर्वसनेस हो सकती है और पेरिफेरल में जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगी तो उसकी वजह से पैरिफिरल डायलेटेशन हो सकती है तो अगर बाकी ड्रग्स की बात करें जो कि आजमा की ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकते हैं तो उसमें बीटा टू एगनिस्ट आएंगी ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट भी होंगे जिन्हें हम लाबा कहते हैं या शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट भी होंगे जिन्हें हम साबाज कहते हैं उसके अलावा मास्कुरेनिक थ्री ब्लॉकर्स हो सकते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेज फोर इनहिबिटर्स हो सकते हैं और स्टीरॉइड्स वगैरह हो सकते हैं सो so सबसे पहले एलबिट्रोल ट्रब्यूटालीन और मिटोप्रोटेरिन दीज आर बीटा टू एगनिस्ट विच आर साबा उसके अलावा फॉर्मिट्रोल सालमिट्रोल मिट्रोल वेलेंट्रोल और ओलर दीज आर बीटा टू एगनिस विच आर लाबा उसके अलावा इपोटोपियम टीओटोपियम एक्लिनिडियम और यूमिक्लिनेडियम दीज आर मस्कुरेनिक थ्री ब्लॉकर्स ये सारे क्या करेंगे स्मूथ मसल्स को जो है वो रिलैक्स करेंगे उसके अलावा थियोफाइलिन माइनोफाइलिन रोफलूमिलास पेंटॉक्सीफाइलिन कैफी एंड थ्रियोब्रोमीन दीज आर फॉल्स फोर इनहिबिटर्स उसके अलावा कुछ स्टीरॉइड्स की कैटेगरी आएगी सबसे पहले आईवी वी स्टीरोयड्स विच इज प्रेडनिसोन उसके अलावा सिस्टेमिक स्टीरॉइडस में ब्यूडिसोनाइड बेक्लोमेथासोन, डेक्सामेथासोन, फ्लूनिसोलाइड फ्लूटिकासोन मोमीटासोन दीज आर गिवन सिस्टेमिकली। उसके अलावा प्रेडनिसोलोन और कॉर्टिसोल जिसे हम हाइड्रोकॉर्टिसोन कहते हैं दीज आर गिवन आईवी अगर कुछ और ड्रग्स की बात करें तो उसमें लुकास, लुकास है दीज आर मॉन्टिल्यूकोटाइन रिसेप्टर ब्लॉक जिसे हम कहते हैं कहतेप्टर वन ये रिसेप्टर को सिंपली ब्लॉक करेंगी और अगर की बात करें तो यह लाइपोक्सीजन पाथवे को ही ब्लॉक करेगा जिसकी वजह से आगे जितने भी ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन है वो फॉल कर जाएगी और एसमा जो है वो ट्रीट हो जाएगा उसके अलावा कुछ और हमारे पास ड्रग्स हैं इन्हें हम कहते है क्रोमोलिन आर मास्ट सेल्स ये मास्ट सेल्स को स्टेबिलाईज करेंगी और डिग्रेनेशन को प्रिवेंट करेंगी देन वी हैव करेंगे जुमाब ड्यूपी लुमाब रसीली एंड बनरेली ये क्या है ये हमारे पास एंटी आई जी ई एंटीबॉडीज हैं।